मेरा नाम तो अशोक है, मैं मेष राशि का वीडियो देख सकता हूँ? मेरा नाम कमलेश है, मैं मिथुन राशि का वीडियो देखता हूँ? या मेरा नाम तो ये है, मैं इस राशि का वीडियो देखता हूँ? या मेरा नाम स से स्टार्ट है तो मैं कुंभ राशि का वीडियो देख लूँ? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको YouTube पर ज्योतिष संबंधी वीडियो देखने का एक सही तरीका बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सही अंदाजा लगाया जा सकेगा आपके द्वारा कि कौन सा वीडियो मेरे लिए सही है, लग्न का वीडियो मेरे लिए सही है या राशि का वीडियो मेरे लिए सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें, चाहे आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, दोनों के लिए ही ये तीन चीजें आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो भी नाम है उसके अनुसार आप वीडियो मत देखिए। जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे ऐसे स्टार्ट है तो आप मेष राशि की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राशि होती है जन्म से, और आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होगा वो आपकी राशि होगी। इसके अलावा आपके जन्म के समय फर्स्ट हाउस में जो ग्रह जो राशि होगी फर्स्ट हाउस में जो राशि होगी वो आपका लग्न होगा। तो इस प्रकार से, अब चंद्रमा तो आपके 12 जो भाव है कुंडली के उसमें कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका जो लग्न है वो बिल्कुल फिक्स होगा, फर्स्ट हाउस वाली जो राशि है वो आपका लग्न होगा। अब YouTube पर दो प्रकार से वीडियो फिलहाल बन रहे हैं, राशि के अनुसार भी लोग बना रहे हैं और जो लग्न है उसके अनुसार भी बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने नाम के हिसाब से देख लेते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजर को बोल देते हैं कि आपने तो इसमें ये गलत बता दिया, और ये आपने गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत बता दिया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी खुद की वहां पर मिस्टेक है कि आप सही वीडियो नहीं देख रहे हैं। आपकी राशि सिंह राशि है और आप देख रहे हैं कन्या राशि का, या आपका लग्न कन्या है और आप किसी मीन लग्न का वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपके ऊपर सही कैसे होगा, आपके लिए सही नहीं होगा। अब आपको करना क्या, देखिए दो प्रकार से जो वीडियो बन रहे हैं राशि और लगन के हिसाब से, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका लगन है, जो आपका लगन है, जैसे कोई सा भी लगन आपका सिंह लगन है तो आप सिंह राशि का वीडियो देख सकते हैं, ओके। बट अगर आपकी कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, तो उस लगन का वीडियो ना देखें। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि जो राशि होती है, राशि में जिस भाव में आपका चंद्रमा होगा, जिस राशि में होगा, उस राशि को वो एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट हाउस में रखेगा, जबकि लग्न तो आपका बिल्कुल फिक्स है। तो आप लग्न के हिसाब से अगर ज्यादा वीडियोस को देखेंगे तो आपको प्रेडिक्शन ज्यादा सही मिलेगी। देखिए चंद्रमा जिस राशि में होता है, यानी चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और अगर हम राशि के हिसाब से वीडियो बनाते हैं तो उसमें प्रेडिक्शन जो आती है वो इतनी करेक्ट नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली ये मन को प्रतिनिधित्व करता है, मन को दर्शाता है, चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर राशि के हिसाब से वीडियो बनाते हैं, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप राशि वाले वीडियो मत देखें, आप लग्न वाले ही देखें, वो आपकी चॉइस है, बट आप सही वीडियो का चुनाव जरूर करें देखने से पहले। तो अगर आप राशि के अनुसार देखना चाहते हैं तो आप अपनी राशि का देख सकते हैं, आपको सही राशि पता होना चाहिए। आपको जो मैंने शुरुआत में तीन चीजें बताई हैं वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालें और वहां से अपनी सारी चीजें पता करें, मेरी राशि कौन सी है, मेरा लग्न कौन सा है, ये सारी चीजें आप पता करें, और वहां से आप फिर वीडियोस देख सकते हैं। अब अगर आप राशि के हिसाब से देखेंगे तो भी प्रिडिक्शन सही आएगी, बट उतनी सही नहीं आएगी जितनी लगन से आती है। तो आप देखिए, लगन हमारा ओवरऑल जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा हमारा मन है, तो राशि वाले वीडियोस उतने प्रभावी नहीं होंगे जितने लगन वाले होंगे। लगन वाले में प्रेडिक्शन ज्यादा सही आएगी, तो आप लगन वाले वीडियोस देख सकते हैं। आजकल लोग लगन वाले वीडियोस ज्यादा बना रहे हैं, और मेरे जो वीडियोस हैं वो भी लगन पर ही आधारित हैं, अधिकांश वीडियो लगन पर आधारित हैं। देखिए राशिफल जो होगा, राशिफल तो आपको चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से ही मिलेगा, और सभी लोग जितने भी एस्ट्रोलॉजर ये वीडियोस बनाते हैं वो चंद्र चंद्र की स्थिति जो है, यानी चंद्रमा की स्थिति, उसके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन वो वहां पर जो आप लगन के हिसाब से वीडियोस देख रहे हैं वो आप गोचर वाले वीडियो देख सकते हैं, राशिफल जो आप देखेंगे राशिफल चंद्रमा की स्थिति पर ही आधारित होगा। अब यहां पर आप एक गलती और करते हैं, जैसे मान लीजिए आप
आपको एक्चुअली यहाँ पर ये पता नहीं है कि जो ग्रह आपके, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में है, तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो वही आपका लग्न हो जाएगा और वही राशि भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप दोनों का ही वीडियो देख सकते हैं, राशि वाला भी देख सकते हैं और लग्न वाला भी देख सकते हैं। और जिनके चंद्रमा चंद्रमा लग्न में होगा उनकी कुंडली थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो चंद्र कुंडली है और लग्न कुंडली है वो सेम ही बनेगी। अगर सूर्य भी लग्न में आ जाए तो और स्ट्रांग हो जाएगी कुंडली, क्योंकि सूर्य कुंडली भी बनती है ना उस वजह से। तो इस प्रकार से आप चयन कर सकते हैं। देखिए फिलहाल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो वीडियोस बना रहे हैं वो लगन पर आधारित हैं, और लगन के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने से थोड़ा सा प्रेडिक्शन ज़्यादा सही रहता है। हालांकि पुरानी परंपरा हमारी यही चली आ रही है कि चंद्र राशि से हम प्रेडिक्शन दें, तो कोई बात नहीं। देखिए वो तो अलग अलग सभी का एक तरीका है, सभी का अपने विचार व्यक्त करने का एक तरीका है, सभी का एक मेथड है, वो तो किस प्रकार से जो भी प्रेडिक्शन करते हैं। पर आप सही वीडियो का चयन करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, और आप रेगुलर अपडेटेड रहेंगे इस प्रकार के वीडियोस के माध्यम से कि आपकी लाइफ में किस प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं, आगे का समय किस प्रकार का आने वाला है, एजुकेशन को लेके, जॉब को लेके, इस प्रकार से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको अब वीडियोस का चुनाव कैसे करना है। यहाँ पर दो तरीके हैं, आप राशि के हिसाब से भी वीडियो देख सकते हैं, लगन के हिसाब से भी वीडियो देख सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। पर आपको अगर आपकी राशि और लगन बिल्कुल पता नहीं है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर का आप दोष ना निकालें, ये आपकी बड़ी गलती है। और सभी एस्ट्रोलॉजर्स अपने विचार व्यक्त करते हैं जिस प्रकार से वो प्रेडिक्शन देते हैं, तो सभी का आप सम्मान करें यहाँ पर। और सभी लोग जो हैं वो आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, सभी बहुत मेहनत करके यहाँ पर प्रेडिक्शन देते हैं। इसमें आपको लगता है कि बहुत ईजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अथाह सागर है ज्योतिष का, और इसमें हम जितना गहराई में जाएंगे उतना ही आगे और रास्ता निकल के आता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।